भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको कार्तिक मास के दूसरे अध्याय के दूसरे दिन की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा, क्योंकि कार्तिक माह बड़ा ही पुण्यदायी महीना होता है और कार्तिक माह का जो स्नान होता है वो आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से लेकर के तो कार्तिक माह के पूर्णिमा तिथि तक निरंतर करना होता है। कार्तिक माह के स्नान करने से तथा इस कथा के श्रवण करने से महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। समस्त तीर्थों की यात्रा करने से और समस्त व्रतों के करने से और जो भी दान पुण्य को करने से पुण्य फल प्राप्त होता है, वही कार्तिक माह की कथा सुनने से और कार्तिक माह में प्रतिदिन स्नान करने से पुण्य फल प्राप्त होता है, क्योंकि कार्तिक का महीना भगवान लक्ष्मी नारायण का परम प्रिय महीना होता है। इसलिए कार्तिक महीने में प्रातः जल्दी स्नान करना तथा कथा का श्रवण करना बड़ा ही पुण्यदायी माना गया है। तो अब हम आपको दूसरे दिन के दूसरे अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं विभ्रद्वास कनकपीशं वेजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृंदारण्यम स्वपदरमणम प्रावीशत गीत कीर्ति। वराहपीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम विभ्रद्वास कनकपीशम भेजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्रावीशत गीत कीर्ति। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। कस्तूरी तिलक कमललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रेवर मौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावलिम गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणिम फुल्लन दीवर कांति बिंदु वदनम बरहावतन सप्रियम श्रीवत्सांग मुदार कौस्तुभधरम पीतांबरम सुंदरम गोपी नाम नयनोत्पलार्चित तनुम गो गोपसंधावृतम गोविंदम कलवेणु वादन परम दिव्यांग भूषणम भजे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, कार्तिक माह के दूसरे अध्याय की कथा का प्रारंभ होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे देवी गुणवती, अपने पिता व पति को राक्षस के द्वारा मारे जाने का समाचार सुनकर के बड़ा आप विलाप करने लगी। हा नाथ, हा पिता, मुझको त्याग करके तुम कहां चले गए हो? मैं अकेली कन्या हूं, तुम्हारे बिना अब मैं क्या करूंगी और अब मेरे भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेह पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी? मेरा तो अब कहीं ठिकाना ही नहीं रहा है। इस तरह रोती और बिलखती गुणवती पछाड़ खा करके पृथ्वी पर गिर पड़ी और अत्यंत दुखी होकर के मूर्छित हो गई। और मूर्छित होने के बाद कुछ देर बाद जब होश में आई तो पूर्ववत अत्यंत करुण विलाप करके शोक सागर में डूब गई। जब कुछ संभली तो उसे ध्यान आया कि मेरे पिता तथा पति की मृत्यु के पश्चात उनकी क्रिया भी मुझे करनी चाहिए, जिससे उनको सदगति प्राप्त हो सके। अतः उसने अपने घर की सारी वस्तुएं बेच दी। उनके बेचने से जो पैसा मिला उससे उसने अपने पिता और पति का जो है अंतिम संस्कार श्राद्ध पिंडदान आदि कर्म किया। फिर वह उसी नगर में रहती थी और भगवान विष्णु की भक्ति आठों प्रहर करने लगी।
उसने जन्म से लेकर के मृत्यु तक नियम पूर्वक सारी एकादशियों के व्रत किए और कार्तिक महीने में उपवास तथा व्रत किए। हे प्रिय, ये एकादशी और कार्तिक व्रत मुझको बड़े ही प्यारे हैं। मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति को देने वाला परम पवित्र है। जो मनुष्य कार्तिक मास में जब सूर्य देव तुला राशि में आते हैं तो प्रातः काल जल्दी उठकर के स्नान करते हैं, व्रत तथा उपासना करते हैं, वे मुझे बहुत ही प्यारे हैं। क्योंकि यदि वह बड़े भी पापी होंगे और कई प्रकार के उन्होंने बड़े से बड़े पाप किए होंगे तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान करता है, जागरण करता है, दीप दान करता है, तुलसी जी के वृक्ष की रक्षा करता है, आंवले की पूजा करता है, भगवान शालिग्राम की पूजा करता है, वह मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के तुल्य होता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में मंदिर की साफ सफाई करते हैं, मंदिर में जाकर के झाड़ू लगाते हैं, सेवा करते हैं, मंदिर में स्वस्तिक बनाते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वह जीवन में सभी प्रकार के दुखों को छोड़ करके और जीवन में सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त कर लेते हैं और जीवन मुक्त हो जाते हैं। यह सुनकर के गुणवती भी प्रतिवर्ष मन लगा करके कार्तिक का व्रत करती और भगवान विष्णु का पूजन करने लगी। हे प्रिय, एक बार वह ज्वर से ग्रसित थी, दुबली पतली हो गई, फिर भी किसी न किसी प्रकार से गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक पहुंची थी किंतु शीत के मारे वह बुरी तरह से कांप रही थी, एकदम शिथिल हो गई। तब वह मेरे न भगवान विष्णु के दूतों के द्वारा मेरे धाम में आ गई। उसके पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने भगवान कृष्ण का अवतार लिया, द्वारकाधीश के रूप में अवतार लिया, तो उस समय मेरे गण भी मेरे साथ आए। वह सब इस पृथ्वी पर यादव बने। तुम्हारे पिता जो कि पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, इस समय सत्राजीत हुए। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है, और हे भामिनी, तू ही वह गुणवती है। यह कार्तिक व्रत का ही प्रताप है जिसके कारण तू मेरी अर्धांगिनी बनी है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था और वह इस समय तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में खड़ा हुआ है। तुमने जो अपने पिछले जन्म में दीप दान किया था उसके कारण तुम्हारी सुंदर देह बनी है, तुम्हारे शरीर की शोभा है और घर में साक्षात लक्ष्मी निवास करती है। तुमने चूंकि पूर्व जन्म में अपने समस्त व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पण कर दिया था, उसी प्रभाव से तुम इस समय मेरी प्रिय भामिनी हुई हो। और पूर्व जन्म में आजीवन तुमने जो नियम कार्तिक मास का व्रत का किया था उसका यह प्रभाव हुआ कि मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करते हैं वह मुझे बहुत ही प्यारे होते हैं। वह लोग जो तुम दूसरे तप जप यज्ञ दान आदि करते हैं कार्तिक मास में किए गए व्रत के समान उनका फल जो है बहुत थोड़ा होता है। यानी कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी वह पुण्य प्राप्त नहीं कर पाता है। इस तरह सत्यभामा जी के द्वारा जो है भगवान श्री कृष्ण जी महाराज से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर के सत्यभामा जी अत्यधिक प्रसन्न हुई। इस तरह कार्तिक मास के दूसरे अध्याय के दूसरे दिन की कथा का यहाँ पर समापन होता है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्ति दायकम रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्ति दायकम रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्ति दायकम रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्ति दायकम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। द्वारकाधीश भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुसाई जी महाराज की जय। श्री यमुने महारानी की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का
कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, आपने यह ज्ञानवर्धक कथा सुनी है। कथा सुनने के बाद आप कथा का संपूर्ण पुण्यफल प्राप्त करना चाहते हैं या कार्तिक माह का पुण्यफल प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस निमित्त यदि आप धन राशि का दान करना चाहते हैं, वस्त्र दान, गौ दान, अन्न दान या अन्य कोई भी कार्तिक मास के निमित्त आप दान करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से नगद राशि प्रदान करके कार्तिक माह का संपूर्ण पुण्यफल आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।